सो बोलते हैं कि माँ और उसके बच्चे का बॉन्ड सबसे पावरफुल बॉन्ड होता है, बट अगर माँ और बेटी की स्टोरी में माँ ही रियल विलन हो तो? सो आज मैं ऐसी ही एक रिसेंट में रिलीज हुई मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नेम है रन। ये हॉरर एंड थ्रिलर की कैटेगरी में आती है और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह है। मूवी काफी सस्पेंसफुल है कि एक माँ अपनी डिसेबल्ड बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा हम व्यूवर्स को लगता है स्टार्ट में, बट एंड में एक तगड़ा ट्विस्ट आता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वॉक थ्रू एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप कॉम एंड लिसन टू मी। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम व्यूवर्स को 5 बीमारियों के बारे में दिखाते हैं, अरिथमिया, हेमोक्रोमाटोसिस, एस्थमा, डायबिटीज एंड पैरालिसिस। और देन एक लेडी को दिखाते हैं जिसका नेम होता है डीएन, और ऐसा दिखाते हैं कि इसकी एक न्यू बॉर्न बेटी हुई होती है, बट सीन देख के कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। और यहाँ से सीन चेंज होके कुछ सालों बाद का दिखाते हैं, जिसमें अब डीएन की बेटी बड़ी हो गई होती है, इसका नेम होता है क्लोई, और ये हाई स्कूल में होती है, बट ये एक नॉर्मल पर्सन की जैसी नहीं होती। एक्चुअली में जो मूवी के स्टार्ट में 5 बीमारियों के बारे में दिखाया था, वही 5ों बीमारियां क्लोई को होती हैं, इसीलिए इसको बहुत सारी मेडिसिन खिलाई जाती हैं। और डीएन इसको हमेशा आइसोलेशन में रखती है, बाहर नहीं जाने देती, और यहाँ तक कि ये स्कूल में भी पढ़ने नहीं जाती, इसका होम स्कूल होता है, आइसोलेशन में इसकी पढ़ाई होती है। और एक्चुअली में क्लोई काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट होती है, और इसका ड्रीम होता है कि एक यूनिवर्सिटी में जाके मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू करे। और डीएन भी क्लोई की अच्छे से केयर करती है, राइट टाइम पे इसको मेडिसिन देती है और इसकी सारी नीड पूरी करती है, बट सिर्फ घर के अंदर वाली। और एक दिन डीएन जब मार्केट से शॉपिंग करके आती है तो क्लोई शॉपिंग बैग से चॉकलेट्स चुराने लगती है, और इसको अपनी मेडिसिन के न्यू पैकेट देखते हैं, बट उसमें डीएन यानी इसकी मॉम का नेम लिखा होता है। इसका मतलब कि मेडिसिन डीएन के लिए होती हैं, बट वो क्लोई को वो दवाइयाँ देती हैं। और जब क्लोई ये बात डीएन से पूछती है तो उसका कहना था कि जिस नेम से रिसीट होती है वही नेम वो लोग मेडिसिन में लिख देते हैं, इसलिए मेरा नेम उसमें है। लेकिन क्लोई के मन में डाउट आ जाता है और ये और छानबीनियां करने लगती है घर में जितनी इससे पॉसिबल थी। तो इसे एक जगह पर और प्रूफ मिलता है कि इसकी मॉम इसको जानबूझ के अपने नेम की मेडिसिन दे रही थी। और फिर क्लोई रात में ट्राई करती है कि गूगल का यूज करके पता लगाए कि ये मेडिसिन किस चीज के लिए है। इसको इस मेडिसिन का नेम पता था जो इसकी मॉम इसको दे रही थी, इसकी मॉम ने इसका नेम बताया था ट्राइगॉक्सिन। और यहाँ पता चलता है कि डीएन क्लोई को इंटरनेट भी यूज नहीं करने देती, इवन उसके पास खुद का फोन भी नहीं होता। वेल, कुछ तो गड़बड़ है दया। और सर्च करने के बाद सिस्टम एरर दे देता है कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, इनका वाईफाई वर्क नहीं कर रहा। और बैकग्राउंड में व्यूवर्स को अंधेरे में दिखाते हैं कि डीएन बैठी होती है, मतलब इसी ने वाईफाई के साथ कुछ गड़बड़ करी है तभी वो वर्क नहीं कर रहा। और नेक्स्ट डे डीएन ऐसे बिहेव करती है कि रात में उसने कुछ देखा ही नहीं था, और कस्टमर सर्विस से वाईफाई ठीक करने के लिए बोलने लगती है। और फिर क्लोई को कोई ऑप्शन नजर नहीं आता तो वो मौका देख के फोन से कोई रैंडम नंबर डायल कर देती है, और अदर साइड में एक लड़का होता है, सो ये उससे हेल्प मांगती है, और वो भी काफी नखरे दिखाने के बाद इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और क्लोई उससे बोलती है कि अपना ब्राउजर ओपन करके एक मेडिसिन ट्राइगॉक्सिन के बारे में सर्च करो, और वो सर्च करके इसे बताता है कि ये दवाई हार्ट पेशेंट के लिए होती है, मतलब ये दवाई एकदम सही थी क्लोई के लिए। बट तभी क्लोई उससे इमेजेस में जाके पिल्स के कलर के बारे में पूछती है, तो गूगल बाबा के हिसाब से ट्राइगॉक्सिन मेडिसिन एक छोटी रेड कलर की पिल होती है, लेकिन क्लोई की मेडिसिन का कलर और शेप दोनों अलग होती है, मतलब इसकी मॉम ने इसे झूठ बोला था मेडिसिन के नेम को लेकर, और ये किसी और चीज की मेडिसिन होती है। अब क्लोई को पूरा शक हो जाता है कि उसकी मॉम इसके साथ कुछ गलत कर रही है, तो ये रात में दवाइयाँ खाना छोड़ देती है और एक और प्लान बनाती है, एंड नेक्स्ट डे अपनी मॉम के साथ में मूवी देखने चलने के लिए बोलती है। सो इसकी मॉम रेडी हो जाती है और क्लोई अपने साथ वो पिल्स भी ले जाती है, और मूवी के बीच से चुपके से निकल के क्लोई सिनेमा हॉल के बाहर एक मेडिकल शॉप जाती है जहाँ से इसकी मॉम इसकी दवाइयाँ लाती थी। और क्लोई डॉक्टर को अपनी दवाइयाँ दिखाती है और पूछती है कि ये दवाइयाँ किस लिए होती है, और उस डॉक्टर का कहना था कि ये दवाइयाँ इंसानों के लिए नहीं है, डॉग्स के लिए है, और अगर इंसान इस दवाई को खा लेगा तो उसके पैर पैरालाइज हो जाएंगे, जो कि क्लोई के होते हैं क्योंकि इसकी मॉम छोटे से इसको यही डॉग्स की दवाई खिला रही होती है। और तभी डीएन यहाँ आ जाती है और सबको यहाँ से भगा के क्लोई को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। और डीएन जब बाथरूम में नहा रही थी तब इसके बैक में एक सिंबल बना होता है जिससे आप सब वाकिफ होंगे। और क्लोई जब होश में आके उठती है तो ये अपने रूम में होती है, पर एक्चुअली रूम में बंद होती है, और इसकी मॉम यानी डीएन बहुत सोच विचार के बाद क्लोई के लिए एक दवाई लेने गई होती है जिससे क्लोई का नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा और ये सब भूल जाएगी जो इसके साथ अभी हुआ। और क्लोई जो कि बताया था काफी होशियार होती है कि बहुत मुश्किलों के बाद अपने रूम से निकल के घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, और रास्ते में से एक वैन मिलती है जो कि क्लोई के घर सामान डिलीवर करने आया करती थी, और उसके अंदर एक आदमी होता है और क्लोई उससे हेल्प मांगती है, और वो आदमी भी क्लोई और उसकी मॉम को जानता था, और क्लोई उसको सब बता देती है कि उसकी मॉम इसे मारने का ट्राई कर रही है। बट तभी वहाँ कार से इसकी मॉम भी आ जाती है और वो इन दोनों को देख लेती है, और वो आदमी डीएन को मना कर देता है
क्लोई के पास जाने से, और डियन बहुत रोती है कि उसको अपनी बेटी से मिलने दो। बट क्लोई के कहने पर ये दोनों पुलिस के पास जाने के लिए रेडी होने लगते हैं, लेकिन डियन पीछे से आके उस आदमी को इंजेक्ट कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। और क्लोई को भी बेहोश करके ये एक जगह ले आती है, और क्लोई को इस जगह सारे राज पता चल जाते हैं अपनी मॉम के। एक्चुअली में मूवी के स्टार्ट में जो एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई थी कि डियन की एक बेटी होती है, बट उसकी बेटी वहीं पर 2 घंटे में मर जाती है। उस नन्ही सी जान को देख के ही पता चल रहा था कि वो हेल्दी नहीं है। तो सवाल आता है कि ये क्लोई कौन है। सो जब डियन की बेटी मर जाती है तो ये काफी डिप्रेस हो जाती है। ऑब्वियसली ये माँ बनी ही थी और इसके साथ ऐसा हो गया। बट फिर ये वही हॉस्पिटल से किसी की बेटी को चुरा लेती है और उसको अपनी बेटी की तरह पालती है। तो ये क्लोई वही लड़की होती है। एक पेपर कटिंग में क्लोई को अपने रियल पेरेंट्स दिख जाते हैं, और क्लोई को कभी कोई बीमारी नहीं थी, ये पूरी तरह से हेल्दी चाइल्ड थी। बट डियन ने जानबूझ के इसको बीमार किया, इसको डिसेबल्ड चाइल्ड बनाया और इसको हमेशा आइसोलेशन में रखा, ताकि ऑब्वियसली क्लोई कभी सच ना जान सके। बट क्लोई होशियार थी, वो लास्ट में सारे ट्रुथ सैड ट्रुथ जान गई। और अब डियन यहाँ आती है और इतना सब करने के बाद भी सेंटिमेंटल होके क्लोई से बोलने लगती है कि बेटी मैंने जो भी किया तोहार खातिर किया वो आंटी। बट क्लोई अब सब समझ चुकी होती है कि डियन ने ये सब अपनी सेल्फिशनेस के लिए किया, क्योंकि इसको माँ बनने का भूत सवार था। और क्लोई अब कभी भी डियन को माफ नहीं करेगी, और इसी वजह से डियन वही दवाई लाने लगती है जिससे क्लोई ये सब भूल जाएगी और ये दोनों एकदम न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले डियन क्लोई को इंजेक्शन लगा पाती, ये कमरे में घुस जाती है और डियन के सामने ही पॉइजन पी के सुसाइड करने का ट्राई करती है। बट लकली या अनलकली ये बच जाती है और हॉस्पिटल में होती है। इसकी मॉम भी बाहर होती है और ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है, बोल भी नहीं पा रही होती। डियन ने इसे ऐसे ड्रग्स दिए होंगे हॉस्पिटल लाने से पहले, और क्लोई वहाँ की नर्स से बताने का ट्राई करती है कि इसकी मॉम इन सबके पीछे है। बट तब तक एक इमरजेंसी आ जाती है और नर्स वहाँ चली जाती है, और तभी डियन रूम में आके क्लोई को बेड से उठाने लगती है और वहाँ से व्हील चेयर में बैठा के अपने साथ ले जाने लगती है। और क्लोई बेचारी कुछ नहीं कर पा रही होती, लेकिन नर्स वापस रूम में आती है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। सो वो साइरेंस बजवा देती है, और डियन के पास गन भी होती है, मतलब ये क्लोई के लिए किसी को मारने के लिए भी रेडी है। और क्लोई की अब हालत सही होने लगती है, ड्रग्स का असर कम होने लगता है और इसके हाथ पैर काम करने लगते हैं और ये बोलने भी लगती है। बट फिर यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और डियन के शोल्डर में शूट कर देते हैं और ये नीचे गिर जाती है। और यहाँ से सीन चेंज होता है 7 साल बाद का, और एक प्रिजन टाइप इंस्टीट्यूशन दिखाते हैं। और यहाँ क्लोई आती है, और क्लोई अब काफी बड़ी हो गई होती है, और ये एक मेटल डिटेक्टर मशीन से बिना किसी की हेल्प के अपने पैर पे खड़े होकर निकल जाती है, मतलब काफी इम्प्रूव हो गई होती है ये। और यहाँ के गार्ड्स की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि ये यहाँ अक्सर आया करती है। और फिर ये अपनी नॉन बर्थ मॉम से मिलती है, डियन से। इसकी हालत क्लियरली बहुत खराब लग रही होती है, और क्लोई इसको अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि इसकी मैरिज हो चुकी है और इसका एक बेटा है, और ये अपने रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ है। और फिर ये डियन से गुड बाय बोलती है, बट फिर अपने मुंह से मेडिसिन का एक पैकेट निकालती है और डियन से बोलती है लव यू मॉम नाउ ओपन वाइड, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि लास्ट में क्या हुआ। तो उस हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद डियन को एक इंस्टीट्यूशन में रख दिया गया था, और क्लोई अपनी लाइफ में मूव ऑन हुई, और जो इसका ड्रीम था कि यूनिवर्सिटी में जाके इसको मेडिकल लाइन में जाना था वो इसने पूरा किया और अपनी एक छोटी सी फैमिली भी बनाई। बट ये पूरी तरह से लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पाई थी, इसलिए ये बार बार अपनी मॉम डियन से मिलने आती है इंस्टीट्यूशन में और इनसे बात करती है। जैसा कि डियन ने बोला था एक जगह क्लोई से कि आई नीड यू एंड यू नीड मी टू, बट क्लोई वहां इसलिए नहीं आती कि उसके लिए डियन को लेकर कोई फीलिंग्स हैं। ये अपना पास्ट कभी नहीं भूल सकती कि इसके साथ क्या हुआ। ये एक नॉर्मल किड होकर भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई, और इसीलिए हर बार अपने मुंह में छुपा के पिल्स लेके आती है, और ये वही पिल्स होती हैं जो डियन हमेशा क्लोई को दिया करती थी। इसीलिए क्लोई भी वही पिल्स डियन को देती है, ताकि इसको भी पता चले कि क्लोई कैसे रहती थी, उसने अपनी पूरी लाइफ कैसे बिताई। और मतलब अब डियन भी पूरी तरह पैरालाइज होती है ड्रग्स की वजह से, और ऐसे ही लाइफ बिताएगी भी जब तक क्लोई की मर्जी होगी। और मूवी में एक जगह वो डीमन सिंबल दिखाया था डियन के बैक में, उसका रियल मीनिंग मूवी में कहीं नहीं दिखाया गया। तो मतलब हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि डियन का कुछ डार्क पास्ट होगा, कोई कल्ट वाला सीन, और शायद इसी वजह से इसकी न्यू बॉर्न बेटी मर गई थी, और इसकी सोच भी इसी वजह से ऐसी हो गई थी कि अपनी हेल्दी बेटी को एक डिसेबल्ड चाइल्ड बना के रखना। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।